नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। मंगलवार दोपहर प्रतापपुर के घोपला निवासी महेंद्र का पुत्र अंकित बैग में मोटी रकम लेकर जेवर खरीदने के लिए गांव से निकला था। रास्ते में ही वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वहीं परिजनों ने बताया कि 28 नवंबर को अंकित की नोएडा से शादी होने वाली है, जिसके लिए घर में तैयारी का माहौल था। अंकित मोटी रकम लेकर दुल्हन के लिए जेवर खरीदने के लिए बाजार गया था, लेकिन तभी से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है और वह वापस नहीं लौटा। वहीं परिजनों ने अपहरण की आशंका भी जाहिर की है। देखिए, जो प्राथमिक रूप से मेरे द्वारा जानकारी करी गई है, ये अंकित नाम का बालक है, कोने में डाल दी। इसकी कुछ दिन बाद शादी होनी थी। बताया जा रहा है कि ये वहाँ से चला गया, कहीं घर से निकला था। 1,20,000 रुपये बताते हैं कि ये लेकर गया था जेवर खरीदने के लिए। इसमें गुमशुदगी, पुलिस को जैसी जानकारी हुई गुमशुदगी लिखी हुई है। कई सारी बातें आ रही हैं, इनके कॉल डिटेल वगैरह निकालने का हमने प्रयास किया, मोबाइल इन्होंने स्विच ऑफ कर रखा है। पुलिस इसमें सारे एंगल्स पर काम कर रही है। मुझे लगता है जल्दी जल्दी हम इसको पता लगा लेंगे कहाँ पर है। इसमें जानकारी भी आई है कि जिस कन्या से इसका विवाह होना था, उसके परिवार वाले भी इनके पास गए थे और उन्होंने कहा कुछ और, मतलब आपस में कुछ मतभेद की बातें बताई। तो इसमें क्रिमिनल एंगल भी हो सकता है, हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन कोई सामाजिक एंगल भी हो सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। हम पूरी तरह से खुला हुआ इस केस को मान के चल रहे हैं और जल्दी जल्दी उसको ढूंढ के निकाल रहे हैं। जो अंकित गायब है, आप क्या आशंका जता सकते हैं, मतलब क्या क्या संभावना हो सकती है? हो सकती है उसके पास रकम है, कोई किसी प्रकार की कोई घटना, कोई अपहरण संबंधी, आपको ऐसी उम्मीद या आशंका है? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। जब कैश में साथ में है तो कुछ भी हो सकता है, अपहरण भी हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है, मार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आसपास क्षेत्रों में कहाँ का तलाश किया आपने उसकी? जितनी भी अपनी रिश्तेदारी हैं शहर में, अपने जो जो दुकान वाले जानने वाले हैं, हर जगह पता कर लिया है, मतलब कहीं भी अभी पता नहीं लगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।